हमने ना छोटे होते स्कूल में टेबल्स कैसे याद किए, टू वंस द टू, टू टूज द फोर, टू थ्री दा 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 दा, हम दादा दादा करते रह गए, पर हमें पता नहीं था दा इज एक्चुअली रॉन्ग बिकॉज टू वंस द टू इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ द आपको आर यूज करना चाहिए, टू वंस आर टू, टू टूज आर फोर। तो ये करेक्शन हमने अर्श को करा दिया, अर्श अब आजकल आर बोलते हैं, बाकी सारे बच्चे अभी भी दादा दादा बोलते हैं। तो बट दा इज गलत, आर इज राइट, हमने भी ये गलती करी थी बचपन में। अगर आपने भी ये करी है तो एक बार कमेंट करके बताना आप कैसे करते थे। दो दुनी चार, दो दुनी दो, दुनी दो, दो दुनी चार, हिंदी वाले तो ऐसे करते थे, इंग्लिश वाले दादा दादा में अटक जाते थे, विच इज रॉन्ग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आज है 8 अगस्त और आज के व्लॉग में कुछ बहुत एक्साइटिंग न्यूज भी है, वेरी हैप्पी वाली न्यूज, कुछ थोड़ी सैड न्यूज भी है, और जो सैड न्यूज आई है उसका हमने एक पार्ट भी, एक ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ लिया, उसको कैसे हैप्पी मोमेंट में एंजॉय करना है। तो पहले हम शेयर करते हैं अपनी पॉजिटिव न्यूज। यार किचन हमारा नीचे पूरा टूट फूट गया, पता ही होगा आपको, जो अगर आप हमारे ब्लॉग्स देखते हो, हमारी किचन नई सेटअप हो रही है, तो नीचे की हो गई थी, आज ऊपर का सेटअप का काम शुरू हो गया, तो पूरी किचन हमने खाली कर दी है, और एक मेकओवर जो किचन हमने ऊपर रखी हुई है उस पर काम चला रहे हैं। क्या बन रहा है यहाँ पे, राइस, यहाँ पे बन रहा है राइस, यहाँ पे लिमिटेड जीरा राइस, लिमिटेड चीज़ें ही बन पाती है क्योंकि इंडक्शन है, इंडक्शन की अपनी जो होती है सेटिंग, उससे जो बन पाएगा बना लेंगे। इंडक्शन पे काम करने के लिए बर्तन चाहिए और मेरे पास सारे बर्तन अभी अवेलेबल नहीं है। आपका लैपटॉप खराब, जैसे कि गंदा हो गया, ये आप यूज कर सकते हैं, उन्होंने लिखा है देखो। बेटे वेट वाइप सही है ना, बच्चों की पोटियां साफ करने का वहाँ पे। न्यूज़ ये है कि हमारा चैनल 3D सक्सेस को पहुंच गया। 3D सक्सेस का मतलब बाबा जी की रहमत, हमारी मेहनत और आपका प्यार, हमारा चैनल हो गया YouTube पार्टनर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड, मतलब इसको कहते हैं मोनेटाइजेशन हो गया, तो थोड़ी मोटिवेशन और मिलेगी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए डालने की। ये अच्छा माइलस्टोन होता है, बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है जो हमारे चैनल ने अचीव कर दिया, और हम चाहते हैं कि आपके सपोर्ट से हम और अच्छे माइलस्टोन अचीव करते रहे और आपके लिए अच्छा अच्छा फैमिली कंटेंट लाते रहे। कल बारिश हो रही थी, हम कल गुरुपुर बताया थे, हम गुरुद्वारे गए थे, बारिश हो रही हो गई तो पूरे वेट। तो मोनेटाइजेशन की डिटेल्स मैं आपसे वीडियो में शेयर करूंगा थोड़ी देर में, मतलब मोनेटाइजेशन कैसे होती है, कब होती है, क्या उसका प्रोसेस होता है, और हमारी मोनेटाइजेशन पूरा रिव्यू प्रोसेस एक दिन के अंदर कंप्लीट हो गया, जो कि सच में एक रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि हमारा चैनल बहुत साफ सुथरा कंटेंट लेके आता है, कुछ इसमें कॉपीराइट या फिर ऑब्जेक्शनेबल चीजें नहीं आती। जो अर्श कह रहा था मैं उस बारे में बात कर रही थी, कल हम लोग गीले हो गए थे, तो अर्श कह रहा था इट इज अ बैड न्यूज। बैड न्यूज क्या, कल उसको हमने पहली बार बारिश में फन करना सिखाया, जो हम इसको अभी तक अलाउ नहीं करते थे कि हमने आज तक अभी इसको बारिश में भीगना अलाउ नहीं करा कि नहीं बेटा बारिश में नहीं भीगना, ऐसे तापना नहीं है, मड्डी पडल्स नहीं करने, तो कल इसको हमने सब करवाया सब कुछ। और लोग बड़े अच्छे हैं यार, हमारे पास में एक शॉप है जहाँ पे कार की सर्विसिंग वगैरह होती है, तो हम उस शॉप से आ रहे थे, उन्होंने शेड लगाया था, हमने कहा बारिश बहुत तेज है वहाँ रुक जाते हैं, तो भैया इतने अच्छे थे, इतने प्यारे भैया थे, इतने स्वीट भैया थे, उन्होंने अपनी छतरी हमें दे दी, कहते आप घर चले जाओ और बाद में छतरी हमें लुटा देना। तो सच में यार ऐसे लोग कम छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं, कीप इट अप। गाइज अब हम बात करते हैं बैड न्यूज की, सैड न्यूज की, बहुत बैड है बहुत सैड है। 3 दिन हमारी ऑफ आ रहे थे, फ्राइडे मेरी छुट्टी थी, सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है, तो हमने सोचा था ये लॉन्ग वीकेंड है, इसको अच्छे से इंजॉय करेंगे। हमने बुकिंग करा ली थी आगरा, बुकिंग भी कराई थी ताज होटल्स एंड कन्वेंशंस, 5-स्टार होटल आगरा, हमने कहा था 2 नाइट्स वहाँ पे रुकते हैं, ताजमहल भी देख के आएंगे, मज़ा आ जाएगा। और हम तो ये प्लान कर रहे थे कि नाइट व्यू ऑफ ताजमहल का ओपन हो गया, हम नाइट व्यू देख के आएंगे। तो पहले मैं उसके लिए बता दूं, जो लोग नाइट व्यू देखना चाहते हैं, ये एवरी नाइट ओपन नहीं होता, ये सिर्फ महीने में 5 डेज ओपन होता है, हर महीने सिर्फ 5 डेज ओपन होता है। कौन सा टाइम, जिस दिन फुल मून होता है उसके 2 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद। उसका पूरा चार्टर आपको साइट पर मिल जाएगा कि हर मंथ का फुल मून कब आ रहा है, सितंबर का आना है 19 सितंबर को, तो वो तो जब हमने देखा हमने कहा इस वीकेंड तो वो नहीं हो पाएगा, चलो हम दिन में ताज देख लेंगे। दिन में ताज देखने का प्रोग्राम बना, वो भी कैंसिल हो गया, हमने आगरा की बुकिंग कैंसिल कर दी। क्यों, क्योंकि अगर आप जानते हो आगरा में अभी डेंगू आउटब्रेक चल रहे हैं, पिछले 1 महीने से वहाँ बहुत सारे डेंगू के केसेस आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे रहते हैं, आसपास रहते हैं, उन्होंने भी बोला कि अगर हो सकता है तो पोस्टपोन कर दो, बिकॉज आप बच्चे के साथ जाओगे
इट इज़ नॉट दैट सेफ, तो हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया, आज ही बुकिंग उसकी कैंसिल करी है। तो बड़ा दुख हो रहा है यार, 5 साल में रहने के अरमान थे, अब वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए अब हम सोच रहे हैं कुछ प्लान बी हो जाए, कहीं और रह ले। अगर आपको कोई जगह पता है तो सजेस्ट करना दिल्ली के आसपास, जहाँ पे हम 2 नाइट्स अच्छे से स्पेंड कर पाएं। थोड़ा दिल्ली की सिटी लाइफ से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, वी नीड अ ब्रेक। हर्ष कह रहे गुड न्यूज़ भी बता दो, गुड न्यूज़ भी बताते हैं, उसकी पूरी डिटेल्स आपको देते हैं, वो चल के देते हैं नीचे आराम से बैठ के आपसे बातें करते हैं। हमारा चैनल हो गया मोनेटाइज, मोनेटाइज का मतलब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का एक हिस्सा बन चुका है। इसका मतलब क्या होगा, हमारे कंटेंट पे अब यूट्यूब कुछ एड्स पोस्ट करेगा, शायद आप वीडियोज देखते हो तो आपको एड्स आनी शुरू भी होगी होंगी, और एड्स का मतलब है कि रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, जो रेवेन्यू हमारे चैनल को शेयर भी होगा। तो एक बेंचमार्क होता है, मोटिवेशन होती है कि आपका चैनल ग्रो होते होते इस स्टेज पे जरूर आए, ताकि आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बन जाओ। अब किसी चैनल को अगर YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो उसके लिए क्या क्या उसके क्राइटेरिया होंगे, क्या क्या उसको मीट करना होगा। इसके 2 मेन क्राइटेरिया है कि आपके चैनल के कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और आपका वॉच टाइम 4000 आवर्स होना चाहिए इन लास्ट 360। हमारे चैनल का वॉच टाइम 4000 आवर्स बहुत पहले क्रॉस हो गया था, बट लास्ट 365 डेज का वो बेंचमार्क देखते हैं तो वो अभी कंप्लीट हुआ है, देन अभी हम एलिजिबल हुए हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो जैसे ही आपके ये 2 चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, स्टूडियो है चैनल का स्टूडियो, उसमें ऑप्शन आ जाएगा कि नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर YouTube पार्टनर प्रोग्राम। हमने अप्लाई कर दिया और इस एप्लीकेशन पे फिर रिव्यू होता है, वो देखते हैं जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपका वॉच टाइम आया वो ऑर्गेनिक वॉच टाइम आया। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको कुछ अमाउंट में वॉच टाइम या सब्सक्राइबर आपको दे रहे होंगे। वो क्या होता है, वो एक बॉट चला रहे, बॉट मतलब एक नॉन ह्यूमन एक प्रोग्राम चलता है जिससे आपके चैनल पे व्यूज बढ़ते रहेंगे, दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक। तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, जो उनका रिव्यू मैकेनिज्म है, इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करता है, अगर आपके चैनल पे ऐसा कुछ है तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। लकीली फॉर्चुनेटली हमारा पूरा रिव्यू कम्प्लीट हुआ ओनली वन डे में कम्प्लीट हो गया। इसका मतलब है जो हमारे चैनल पे कंटेंट आ रहा है इट इज़ जेन्युइन कंटेंट, हम किसी का कोई कॉपीराइट कंटेंट यूज़ नहीं कर रहे, और जो हम कंटेंट शो कर रहे हैं इट इज़ नॉट अब्यूसिव, इट इज़ फॉर जनरल पब्लिक, इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल। उसके बाद आपको एक अपना एडसेंस अकाउंट बनाना होता है, एडसेंस अकाउंट मतलब जहाँ पे आप अपनी मॉनेटरी डिटेल्स डालोगे, अपनी बैंक डिटेल्स डालोगे। और नेक्स्ट और फाइनल स्टेप होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। एड्रेस वेरिफिकेशन का क्या मतलब, जैसे ही आपका रेवेन्यू $10 से ज़्यादा हो जाएगा, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट $10 उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो गूगल आपके घर पे आपने जो अपना रेजिडेंशियल एड्रेस मेंशन किया होगा वहाँ पे एक लेटर पोस्ट करेगी, उस लेटर में कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होंगी, कुछ पिन्स होंगे जिसको अब आपने अपने एडसेंस अकाउंट से लिंक करना है, और इससे उनका पूरा एड्रेस मैच हो जाएगा, देन यू आर एलिजिबल टू रिसीव द रेवेन्यू, रिसीव द पेमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट मोनेटाइजेशन। अगर आप भी अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो कोई भी डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख लो, जितनी हमारी नॉलेज है हम जरूर आपसे शेयर करेंगे, और अगर किसी की हेल्प होती है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। एंड थैंक्स अगेन फॉर ऑल द सपोर्ट, इस बेंचमार्क तक पहुंचे और बहुत से बेंचमार्क अचीव करेंगे आपके साथ साथ, और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए हम लेते आते रहेंगे। और सजेशन जरूर करो यार, लॉन्ग वीकेंड एनी सजेशन, कहाँ जाना चाहिए, दिल्ली के अंदर रह के भी अगर कुछ आप सजेशन देते तो वो भी करने को तैयार है, अदरवाइज बाहर जाने को भी हम रेडी है, कोई रोड ट्रिप भी कर सकते हैं, जरूर बताना उसको। होप यू लाइक दिस व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब टू आवर चैनल कपल बाय नेचर, और मिलते हैं।